हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हो डीजे शक्ति। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो माइक्रोफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें है जेटीएस का TK600 और ऑडियोटोन का AD600। तो भैया, जेटीएस का जो TK600 माइक्रोफोन है वो काफी पॉपुलर है, काफी सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन भाइयों के पास ऑडियोटोन का AD600 माइक्रोफोन है वो भी कमेंट में जरूर बताइए। और भाइयों, अगर आपके पास दोनों माइक्रोफोन है और दोनों माइक्रोफोन अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है दोनों माइक्रोफोन के बारे में, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो भैया, हम भी खुद साउंड का बिजनेस करते हैं और दोनों ही माइक्रोफोन हमने इस्तेमाल किए हैं, और दोनों माइक्रोफोन हमने यूज कर करके घिस डाले। आप देख सकते हो दोनों ही माइक्रोफोन पुराने हैं। तो हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे, कौन सा माइक्रोफोन बेस्ट है और दोनों की प्राइस क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने माइक्रोफोन लगा दिया है मिक्सर में, और अभी जो भी आवाज आ रही है डायरेक्टली मॉनिटर से आ रही है। तो सबसे पहले हमने जेटीएस का माइक लगाया है TK600। तो यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको मिक्सर में एक ही वॉल्यूम पर सब कुछ हम सेट रखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो गेन भी इसी वॉल्यूम पर सेट है, और पूरा इक्विलाइजर हम जो है 50% ही अभी रखेंगे, एक ही वॉल्यूम रखेंगे। यहाँ पर फेडर को भी इसी वॉल्यूम पर सेट रखेंगे, मास्टर भी वैसे ही सेट रहेगा, और एलईडी मीटर में आप देख सकते हो किस तरह से एलईडी आ रही है, ठीक है। हेलो, चेक वन, हेलो। तो सेम वॉल्यूम है, सभी सेम है। अभी हम डायरेक्टली स्विच करते हैं ऑडियोटोन के माइक्रोफोन में। देखिए, यहां से मैं ये चैनल निकाल दूंगा। तो अभी दोस्तों, ये ऑडियोटोन का माइक्रोफोन है, इसको हमने लगाया, और अभी आप डिफरेंस सुनिएगा, ठीक है। हेडफोन लगाइएगा ताकि आपको अच्छे से जो है पता चलेगा। हेलो, तो अभी आप सुन पा रहे हो, जेटीएस के मुकाबले ऑडियोटोन का माइक्रोफोन काफी अच्छा आउटपुट दे रहा है। इसका जो थ्रो है वो जेटीएस के मुकाबले काफी ज्यादा हमें मिलता है। मिक्सर में आप वापस से देख सकते हो सेम वॉल्यूम है सब कुछ, मास्टर भी सेम है, और एलईडी मीटर आप देख सकते हो कितना यहाँ पर ज्यादा एलईडी में शो कर रहा है, ठीक है। जेटीएस के माइक्रोफोन में इतनी ज्यादा एलईडी नहीं जा रही थी, तो कम वॉल्यूम में ज्यादा आवाज ऑडियोटोन के माइक्रोफोन से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी वाइज यहां पर आवाज हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोफोन है ना, वो आप किस तरह के सिंगर को दे सकते हो, देखिए, सबसे पहले तो जो लेडीज सिंगर हो गए उसको आप ये माइक्रोफोन दे सकते हो, और ज्यादा दूर से अगर कोई सिंगर रखता है माइक्रोफोन तो उसमें भी ये माइक्रोफोन काफी अच्छा वर्क करेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो सिंगर की आवाज नीची है, मतलब नीचा गाते हैं, मतलब धीमी आवाज निकलती है, तो वैसे सिंगर को भी आप ये माइक्रोफोन दे सकते हो, क्योंकि ये कम वॉल्यूम में ज्यादा आउटपुट निकाल देता है, और क्वालिटी वाइज इसका आवाज मिल रहा है दोस्तों। तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो दोस्तों, मुझे पर्सनली ऑडियोटोन का AD600 जो माइक्रोफोन है वो पसंद आता है, क्योंकि कम वॉल्यूम में अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, अगर कम वॉल्यूम खुलेगा तो सीटी की समस्या भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। बाकी दोस्तों, प्राइस रेंज की बात करें तो जेटीएस का माइक आपको तो पता ही होगा मार्केट में कितने का मिलता है, 2100-2200 के आसपास मिलता है। तो भैया, ये जो ऑडियोटोन का AD600 माइक है ना, वो इसके मुकाबले आधे दाम में मिलता है। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि ये आधे दाम में मिलता है। ये जो है 1000 से लेकर 1200 तक ऑडियोटोन का AD600 माइक्रोफोन मिल जाएगा। हमारी शॉप भी है दोस्तों शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हमारे पास से भी आप ऑडियोटोन का माइक्रोफोन खरीद सकते हो। बाकी दोस्तों, आपने डिफरेंस सीधा सीधा सुन ही लिया है, तो और क्या ही बताऊं मैं। चलिए वापस से हम जेटीएस के माइक में स्विच करते हैं एक ही वॉल्यूम में। तो भैया, अभी जो आवाज आप सुन रहे हो वो जेटीएस के माइक से सुन रहे हो, तो आप यार इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना एक ही वॉल्यूम में इसका आवाज जो है डाउन हो चुका है। अभी मैं इसको इतना दूर करूंगा तो स्पीकर में से तो यार आवाज आना ही बंद हो चुका है।
तो ये है भैया ऑडियो टोन के माइक का कमाल। बाकी यार कमेंट करके बताइए आपको कौन सा माइक अच्छा लगता है। हालांकि दोस्तों ये जो ऑडियो टोन का माइक है वो वजन में थोड़ा कम है जेटीएस के मुकाबले, बाकी दोनों ही माइक जो है वो सेम दिखते हैं। यार सबसे पहले जो है जेटीएस का माइक ही आया था मार्केट में, लेकिन उसके बाद लगभग सभी ब्रांड ने जेटीएस के मॉडल जो है बनाने के चालू कर दिए है दोस्तों। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कॉपी वाले माइक भी ब्रांड से आगे निकल जाते हैं, तो इस समय हमें ऐसा ही देखने को मिला। ऑडियो टोन ने भले ही जेटीएस की कॉपी की है, फिर भी ऑडियो टोन जो है अभी इसके मुकाबले आगे जो है निकल रहा है, क्योंकि इसका थ्रो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। वापस से एक बार आपको स्विच करके दिखाता हूं, ठीक है? देखिए दोस्तों कितना आवाज यहां पर बढ़ गया और क्वालिटी वाइज निकल रहा है, ठीक है? मैं अगर इसका सेटिंग करूं थोड़ा सा, हेलो चेक वन, इसकी शार्पनेस देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमें शार्पनेस मिल रही है। इसका अगर हम मिड टोन देखें तो मिड टोन भी इसका काफी बढ़िया आ रहा है, बाकी इसका बेस टोन भी हमें अच्छा मिल रहा है। देखिए हेलो चेक वन, देखिए दोस्तों इसका बेस टोन हो जाता है हेलो चेक वन। अगर हम इसमें थोड़ी सी इफेक्ट डालें, चलिए मैं यहां से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, हेलो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कुछ इस तरह की क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है ऑडियो टोन का AD600 माइक। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।